दोस्तों, एक खबर के तहत कल हमने आपको जानकारी दी थी कि 10/10/2023 को बीपीएससी का परिणाम जो है वो घोषित किया जाना निर्धारित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लेटर जो दिया गया था, वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक 10/10/2023 को बीपीएससी का परिणाम घोषित किया जाना है। उक्त के संदर्भ में विद्यालयों का रिक्ति प्रतिवेदन सासमय तैयारी करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही थी कि ये जो रिज़ल्ट है वो आपका 10/10/2023 को इन्होंने घोषित करने की बात कही हुई है। अब हम बात कर लेते हैं आज के न्यूज़पेपर्स की। आप यहाँ पर जब चलेंगे तो इसमें देखेंगे, जब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग के कर्मियों की छुट्टी दुर्गा पूजा तक रद्द, उनकी छुट्टियाँ जो है वो दुर्गा पूजा तक रद्द कर दी गई हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान देने की है, जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो शिक्षकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो गैर शिक्षक हैं उन्हें ही इसमें शामिल किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप सभी लोग। और यहाँ से जब हम थोड़ा आगे चलते हैं, चूँकि आपने ये भी देखा होगा कि दुर्गा पूजा से पहले कहीं ना कहीं नियुक्ति देने की पूरी तरीके से बात चल रही है कि हम जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे पूरी कर लें, और जो जितने भी छात्र कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हें उनके पद को जो है ऐसे में सौंप दिया जाए। यहाँ पर जिला मुख्यालय में शिक्षकों को जो है ये कहा गया, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस लेटर के बारे में भी कल हमने आपको बताया था, जो कई जगह से जिसमें डेट और सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी, लेकिन सबसे लास्ट में डेट मेंशन की हुई थी जब हम के पाठक जी की बात करते हैं, और जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, और उनके द्वारा सभी डीएम को अपने अपने जिलों में ये काम करने के लिए कहा गया था। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये अगली खबर में है कि 1.70 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र अगले हफ्ते जो है दिए जाएंगे। और जब आप और आगे चलेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, रिजल्ट की अंतिम तैयारी कर रहा है बीपीएससी, शिक्षक भर्ती रिजल्ट 16 तारीख इन्होंने यहाँ पर डेट दी हुई है। लिखे हैं कि आधिकारिक सूत्र के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगा, अधिक संभावना है कि 16 को जारी हो जाए। अब आपने देखा है ऑफिशियल लेटर में 10 तारीख लिखा हुआ है, फिर एक तरफ अगर हम बात करें तो एक हफ्ते का लगभग समय ले रहे हैं और 16 लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, 10 तारीख को रिजल्ट की संभावना कम बनती है, जबकि वो ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि जब हम बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला, या फिर बीएड को लेकर के या बीएड के पक्ष को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई है उसका फैसला, या फिर यूँ कहें जो अगली तारीख है वो 9 अक्टूबर को है, उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। बीएड शामिल होता है तो ऐसे में कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, कट ऑफ कुछ और ही देखने को आपको मिलेगी बीपीएससी की। अगर बीएड शामिल नहीं होता है तो कट ऑफ संभव है कि वहाँ पर आपका जो है जो पहले इन्होंने तय किया हो डीएलएड के साथ में वो फिर आपको देखने को मिले। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ रिजल्ट आपका, ये मैं 1-5 क्लास के लिए बात कर रहा था, चूँकि एक चीज़ और हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स कई सारे हैं जो 1-5 के हैं, लेकिन जब हम कक्षा 9, 10 और 11, 12 की बात करते हैं तो उनके परीक्षा परिणाम और पहले ही दिए जा सकते हैं, उनके रिजल्ट के आने की शुरुआत पहले हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, बीएड का प्राइमरी में मामला, कोई भी मामला वहाँ पर ऐसे में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में उनका जो परीक्षा परिणाम है वो पहले से जारी किया जा सकता है। ये भी था कि पहले आपका जब हम 9-10 की बात करें, 11-12 की बात करें उनके रिजल्ट, और बाद में आपकी कक्षा 1 और 5 के जो परीक्षा परिणाम है बीपीएससी टीआरई के, वो जारी किए जाएंगे। तो आप पूरी तरीके से रहिएगा तैयार। बाकी यहाँ पर कुछ वेतन वगैरह लिखा हुआ है, जब हम शिक्षकों की बात करते हैं, कक्षा 1 से 5 की बात करें, 6 से 8 की बात करें, 6 से 8 में तो कोई भर्ती नहीं हुई थी, वहीं अगर हम 9-10 की बात करें और 11-12 की बात करें, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि न्यूनतम अर्हतांक की बात करें तो उसमें छूट भी मिल सकती है, और रिजल्ट में देर लगने के कारण यहाँ पर जो है अलग से मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है बीएड डिग्रीधारियों की अपील पर जो सुनवाई है वो 9 को होनी है, और उसके बाद ही जो भी फैसला होगा वो देखने को मिलेगा। जैसा भी अपडेट होगा आप सभी को उसे अवगत ज़रूर करवाएंगे। शुक्रिया आप सभी का।